एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विजन निराक्षी ब्लॉग्स। आज हम आए हैं यहाँ पे शॉपिंग करने, है ना। मैं इन्हें पकड़ लेती हूँ क्योंकि मैं गिर जाऊँगी। शॉपिंग किसके लिए? तो हम आए हैं कुहू के लिए शॉपिंग करने। झाजी बताइए, कुहू के लेने? यस, तो हम ठंड के कपड़े लेने आए बेसिकली। ये सही है, पिंक कलर वाला। और इसमें पॉकेट नहीं है, बस ऐसे ही लुक के लिए। पैंटलूंस इसमें नहीं मिला, मिक्की माउस में कुछ मतलब। यहाँ पे घूम के लिए हम ले चुके हैं, क्या क्या लिया है दिस विल शो यू। चलो घर जाके सारा दिखाएंगे क्या क्या लिया है घूम के लिए। पैंटलून से तो दो ही चीज़ें ली हैं बस, क्योंकि उसके साइज़ की रेयरली मिलती हैं, जो कि है 3 to 6। अभी तो 3 की भी नहीं हुई, जब तक बहुत ज़्यादा ठंड आएगी तब 3 की हो जाएगी, 3 मंथ्स की। तो 3 to 6 ही लिया है, क्योंकि 0 to 3 तो रेयरली मिलता है कहीं कुछ, और जो 0 to 3 मंथ्स का होता है वो हमें पसंद नहीं आता, तो 3 to 6 वाला ले लिया है। बाकी अभी और चलते हैं, कार में बैग रह गया हमारा जो हम ले कर आए थे, बाकी कार में जाएंगे तो रख देंगे बैग में। चलिए, हेलो। स्टार्टिंग की वीडियोस तो आप सभी ने देखी होंगी कि हम मॉल गए थे। ये आने के बाद की वीडियो नहीं है, ये एक दिन बाद की वीडियो है। मॉल में एज़ यूजुअल मैंने अपना फ़ोन दे दिया झाजी को, और झाजी ने तो इतनी सारी क्लिप्स बनाई कि आप सभी ने देख ली है, जो कि नहीं बनाई उन्होंने। हम दोनों ही शॉपिंग में बिज़ी हो गए। कुहू के लिए इतनी सारी चीज़ें ले रहे थे, मैंने सोचा कि बाद में दिखा दूँगी क्या क्या लिया, कहाँ से लिया। और आप सभी को भी अगर लेना हो तो जल्दी से जाइए, क्योंकि स्टॉक अभी ख़त्म नहीं हुए। तो पहले मैं दिखाती हूँ, जो भी अच्छा लगे अपने बच्चों के लिए कहीं से भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर पैंटलून से लिया है तो यहाँ पे जो कलेक्शन है वहाँ पे भी ज़रूर होगा। तो चलिए, सबसे पहले पैंटलून्स का नाम लिया है तो वहीं से ही स्टार्ट कर देते हैं। और आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं तो कट स्लीव में बैठी हूँ यहाँ, और कुहू के लिए सारे विंटर के कपड़े ले आई। तो होता क्या है कि आप सभी जानते हैं कि 3-4 दिन से बारिश चल रही है, और बच्चों को, छोटे बच्चों को बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है। इसके पास सारे गर्मी के कपड़े थे, कोई भी ऐसा नहीं था कि हम इसे पहना सकते हैं, हल्का फुल्का भी थोड़ा ठंड का हो ताकि इसको ठंड ना लगे। तो इसलिए हम चले गए कि कलेक्शन होगा अच्छा तो ले आएंगे, बाकी अच्छे अच्छे कलेक्शन जल्दी स्टॉक आउट हो जाते हैं, बाद में तो लाते रहेंगे। और साथ ही साथ हम दोनों नए मम्मी पापा हैं, तो वो जो एक्साइटमेंट होती है ना, तो वो अलग ही लेवल पे है कि अपने बच्चे के लिए हमें विंटर के कपड़े लेने हैं, ये लेने हैं, वो लेने हैं, छोटी छोटी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें अलग ही लेवल पे है। इसलिए जाके हम ला चुके हैं कुहू के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर विंटर क्लोथ्स। तो सबसे पहले मैं अपने फेवरेट और झाजी के फेवरेट स्वेट शर्ट से स्टार्ट करूँगी, कि हमने सबसे पहले जाते ही, पहले तो मैक्स में गए थे, मैक्स में कलेक्शंस अच्छे मिलते हैं कलरफुल, बट वहाँ विंटर अभी कलेक्शन आया ही नहीं, अभी तक समर कलेक्शन ही है। मम्मी ने शायद पंखा बंद कर दिया, समर कलेक्शन ही है और विंटर कलेक्शन अभी तक नहीं आया, तो वहाँ से हमें कुछ नहीं मिला। और अभी उसके बाद मैक्स में जाने के बाद हम गए पैंटलून्स, तो ये देखिए पैंटलून्स में 0 to 2 years में सबसे जो प्रिटी हमें लगा वो लगा ये है स्वेट शर्ट, पिंक कलर की है। एक्चुअली कुहू के ऊपर ना लाइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, उसके ऊपर हर एक कलर अच्छा लगता है, लेकिन मुझे और मम्मी को दोनों को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर लाइट शेड कलर्स, जैसे कि ये लाइट पिंक हो गया, लाइट येलो हो गया, कोई भी लाइट ऑरेंज हो गया कलर, बहुत अच्छा लगता है उसमें, वो और ज़्यादा सुंदर लगती है। तो इसलिए लाइट में ही मैंने लिया ये, और ये है साइज़ 0 to 3 साइज़ लिया है, और ये हमें पड़ा 1049 का है ये, और ये बहुत ही अच्छा स्टफ़ है, ये है शनील वाला स्टफ़, शनील होता है ना, शनील वेलवेट स्टफ़ है, और ये है कॉटनी। ये कोई पॉकेट नहीं है, ये बस एक शो के लिए, बच्चे के लिए,
और इसमें छोटा सा माइक्रो कहते हैं ओके, और इसमें छोटे छोटे दो कान हैं, तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगने वाली है इसे पहन के, है ना। तो ये लिया एक, ये हमें बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद इसी के बगल में 02 में ही एक ये सेट भी था, जो कि फिर से लाइट पिंक कलर में है। ये देखिए, इसके स्लीव पे ऐसे एक फ्रिल बनी हुई है, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा, इसके नीचे ये पैंट भी है, ये पूरा सेट है, ये आप कह सकते हो सेट, और एडजस्टेबल है ये, बहुत ही सुंदर सा। इसमें कितने सुंदर सुंदर से प्रिंट है ना, लड़कियों का बहुत ही अच्छा कलेक्शन है वहाँ पे, गर्ल्स कलेक्शन, इन्फेंट कलेक्शन भी चेक कर सकते हो आप। ये 02 ईयर्स वाले में था, और ये भी हमने लिया है 3 to 6 months लिया है ये, क्योंकि ये ठंड आने तक 3 महीने की हो ही जाएगी, और जब तक ठंड रहेगी तो 6 महीने तक की रहेगी, तो इसे ये बिल्कुल फिट आने वाला है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। जब जब कुहू पहनेगी तब तब आप सभी देखेंगे ही। ये भी पैंटलून्स का है, और ये भी 1049 का है, 1049 का है ये, ये रहा। और ये D17 है, इसका मतलब साइज D17, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर। एक ये दोनों चीज़ें हमने पैंटलून से ली। उसके बाद फिर हम गए थे फर्स्ट क्राई में भी हमने सोचा कि कुछ कलेक्शन चेक कर लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है, कुहू बहुत ज़्यादा छोटी है, हमें छोटा साइज चाहिए होता है, मतलब 3 to 6, तो 0 to 2 ईयर्स वाले सेक्शन में भी 3 to 6 साइज़ के जो भी पसंद आ रहा था, या तो स्टॉक आउट था, और या फिर जो जो था उसमें हमने ले ही लिया। इन दोनों में हमें 3 to 6 मिल गया, 0 to 3 भी अवेलेबल नहीं था, तो ये मिल गया, ये ले लिया। और कुछ कुछ ऐसे था कि स्वेटर मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक ब्लू कलर का, तो वो मैंने सोचा कि मैं खुद बनाऊंगी नानी से सीख के, वो तो मैं कुहू के लिए खुद बनाऊंगी। तो फर्स्ट क्राई में जब हम गए, तो फर्स्ट क्राई में ये बहुत ही सुंदर, ये फिर से वही स्टफ है जिसे मम्मी कह रही है माइक्रो है ये, तो ये ऐसे साइड में ऐसे करके ओपन हो जाएगा, ये शोल्डर से एक तरफ से, और ये इस तरीके से है, और ये है ब्रांड बेबी हग, फर्स्ट क्राई में बेबी हग से है ये। और इसके नीचे भी ये पैंट है, इसमें स्टार्स और ये सिर्फ स्टार ही है, हाँ मुझे लगा मून भी होगा, स्टार्स बने हुए हैं, तो बहुत ही सुंदर है। इसे रात में पहनाएंगे, दिन में भी पहना सकते हैं, नाइट ड्रेस की तरह इसे पहना सकते हैं, कि इसे रात को पहना के इसे सुला दिया। और ये कलर इसके पापा ने लिया है, कि हर एक कलर लाइट हो गया है, तो एक कलर आप डार्क भी ले ही लो, क्योंकि इसके पास पिंक के इतने कलेक्शन हो गए हैं ना। मैं भी गई तो दो तो पिंक ही ले आई मैं, बिकॉज पिंक ही सबसे ज़्यादा क्यूट लगता है लड़कियों पे तो स्पेशली, तो कुहू इसमें भी बहुत अच्छी लगेगी। सो आप बताओ ये कैसा है। और ये हमें पड़ा 629 का, ये 629 का है, ऑन MRP, सारे MRP पे ही हैं, बिल्कुल भी एक भी % डिस्काउंट नहीं है, तो आपको MRP पे ही फर्स्ट क्राई में भी मिलेगा और पैंटलूंस में भी मिलेगा। उसके बाद हमें कुछ कुछ और लेना था, जैसे कि हींगोली लेनी थी, तो हमने रिलायंस स्मार्ट में चले गए थे, स्मार्ट बाज़ार, तो वहाँ से हमने एक ये स्वेटर लिया है कुहू के लिए, ये है फ्रॉम द ब्रांड पिंक एंड ब्लू से है। और ये देखिए कितना ही प्रिटी सा स्वेटर है, ये फिर से शोल्डर से ऐसे खुल जाएगा, अच्छा इसमें बटन्स हैं, ये यहाँ से शोल्डर से खुल जाएगा, और ये घिया कलर है, मतलब इसका एक्चुअल कलर ना दिख नहीं रहा है, घिया जिस कलर का होता है ना उस कलर का है, और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये भी कुहू के ही साइज़ का है, ये भी हाँ 3 to 6 ही है, और ये है 899 का, लेकिन ये डिस्काउंट मिल रहा था इस पर, और ये शायद हमें पड़ा है 500 का, शायद ये 500 का सिर्फ ये स्वेटर है। इसके ऊपर ये ना बहुत ही अच्छा सा, ये देखो कुछ फर टाइप का है, उससे ये बनाया हुआ है और अटैच्ड है, ऊपर से सिला हुआ नहीं है, तो ये भी बहुत सुंदर है। उसके बाद हमने सोचा कि एक और सेट ले लेते हैं इसका, स्वेटशर्ट वाला, तो हमने ये ले लिया, एक ब्लू कलर भी होना चाहिए भाई, लड़की है तो कोई बात नहीं, ब्लू कलर भी पहन सकती है, तो ये रैबिट जैसा ये बना हुआ था, बहुत ही सुंदर था, ये ले लिया, और बहुत अच्छा है, कॉटनी सॉफ्ट है लेकिन गर्म भी है, और इसके साथ पैंट भी है, तो ये पैंट भी किसी और उस पर टीम अप कर सकती है, कुछ भी प्रिंटेड नहीं है, प्लेन है, तो ये ले लिया। ये है किस ब्रांड से, ये भी दिखाती हूँ मैं,
ये एंटिक्स करके कोई ब्रांड है, मुझे नहीं पता कौन सा है। ये 0 to 6 साइज़ है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा है और क्वालिटी अच्छी लगी। और ये था स्मार्ट बाज़ार, रिलायंस स्मार्ट बाज़ार में जो क्लोथ सेक्शन होता है वहाँ से। हुडी है इसमें, तो ये ले लिया। तो अभी तक तो फ़िलहाल यही लिया है, यही शॉपिंग की है। आप सभी को इन सब में क्या अच्छा लगा बताना। और भी इसके लिए शॉपिंग करने वाले हैं, ऑनलाइन का स्ट्रॉलर लेने जाएंगे, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें लेंगे। हर एक चीज़ अपडेट करते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ एंड तक और हमारी ब्लॉग्स देखते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और नए हैं तो ज़रूर निराक्षी ब्लॉग को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।